जी हाँ गाइस, आपने सही देखा थंबनेल पे कि स्नैक वीडियो बैन हो चुका है और आज के डेट में ये बैन हुआ है। स्नैक वीडियो के साथ साथ और भी 42 एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इससे पहले जो है 28 जून को 59 एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। उसके बाद जो है 2 सितंबर 2020 को और 118 एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था गाइस, लेकिन आज की डेट में और 43 एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और जिनमें सबसे बड़े एप्लीकेशन का नाम आता है वो है स्नैक वीडियो। तो गाइस मैं एक के बाद एक सारा नाम जो एप्लीकेशन है वो सारे को बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहो और टिल दी एंड देखते रहो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब, मैं मिथुन और आप देख रहे हैं टेक्निकल MIT 83। गाइस देखो, स्नैक वीडियो जो आफ्टर टिकटॉक मतलब टिकटॉक बैन होने के बाद 28 जून को जो टिकटॉक बैन हो गया था उसके बाद जो है स्नैक वीडियो में सभी जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो सीधा चले गए थे स्नैक वीडियो में, वहाँ पे अपने वीडियो बना रहे थे, फैन बढ़ा रहे थे और फेम कमा रहे थे गाइस। लेकिन अब जो है उसको भी बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो आपका रिएक्शन क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। और स्नैक वीडियो के साथ साथ जो अमेजोन के बाद, अमेजोन तो सबको पता है, घर में हर एक दूसरे घर में अमेजोन जो है सर्च होता है और अमेजोन से जो है ऑर्डर प्लेस होता है गाइस। तो अमेजोन वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेबसाइट है और उसके बाद अगर ई कॉमर्स वेबसाइट कोई एक बड़ा है तो वो है अली एक्सप्रेस। तो अली एक्सप्रेस को भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और ये सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया है साइबर सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन जो है बैन हुए हैं क्योंकि इंडियन डेटा वगैरह लीक आउट कर रहे थे ये चाइना को, तो इसीलिए जो है इसको बैन कर दिया गया है। इंडियन साइबर सिक्योरिटी एक्ट 69A के तहत ये सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को बैन किया गया है। आपको पता है अली एक्सप्रेस जो है एक वेबसाइट है, उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी आता है गाइस। तो ये सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन को अभी बैन कर दिया गया है। तो एक के बाद एक मैं नाम बताता जा रहा हूँ, आप सुनो और जो है एंड तक वीडियो को देखते रहना गाइस। तो पहला जो एप्लीकेशन आता है इनमें, सबसे बड़ा एप्लीकेशन का नाम जो है स्नैक वीडियो, क्योंकि टिकटॉक के बाद ये ही एक जरिया था जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ही दिनों में टिकटॉक बैन होने के बाद 100 मिलियन तक इसका डाउनलोड जो है पहुंच गया था। तो ये बहुत ही बड़ा एक मार्केट कर रहा था इंडिया में टिकटॉक के बाद, तो इसको आज बैन कर दिया गया है। तो स्नैक वीडियो के बाद जो है अली एक्सप्रेस जो अमेजोन के बाद सबसे बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये भी बैन हो चुका है। अली सप्लायर मोबाइल एप्लीकेशन बैन हो चुका है, अलीबाबा वर्क बेंच, उसके बाद अली एक्सप्रेस स्मार्ट शॉपिंग एंड बेटर लिविंग, अली पे कैशियर, लामा मूव इंडिया डिलीवरी ऐप, ड्राइव विथ लामा मूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैम कार्ड BCR वेस्टर्न, सोल फॉलो एंड सोल टू फाइंड यू, चाइनीज सोशल, फ्री ऑनलाइन डेटिंग वीडियो ऐप एंड चैट, डेट इन एशिया। इस तरह से जो है कंप्लीट आपको 43 एप्लीकेशन के लिस्ट आपको मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे पहला लिंक, आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो कौन सी 43 एप्लीकेशन है जो आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो आप क्या सोचते हो, आपके कंट्री पहले है या फिर आपका जो नाम पहले है? तो गाइज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा कंट्री फर्स्ट है, अगर डेटास वगैरह लीक कर रहा है तो यहाँ पे जो है हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे देश के हित में हम ये सब कर रहे हैं। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे स्नैक वीडियो में तो वो अब नहीं रहेंगे गाइज। अभी तो फ़िलहाल तो एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में, लेकिन जो है आप 24 आवर के बाद शायद ही वो एप्लीकेशन और प्ले स्टोर में रहेगा गाइज। तो अपना रिएक्शन ज़रूर बताना, छोटा सा वीडियो था। तो गाइज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले जितने सारे इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आप पाते रहो गाइज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।